माइंडफुल का मेथड क्या है? 3x3 मेथड ऑफ माइंडफुल, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में हम माइंडफुल किस तरह कर सकते हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था टेड टॉक्स की, तो वहाँ पर जो है 30 सेकेंड्स ऑफ माइंडफुल के हवाले से बता रहे थे। तो जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था उसमें 30 सेकेंड्स में आप जस्ट, मैंने वीडियो प्ले करना शुरू किया, 30 सेकेंड्स में किस तरह होगा। जब पूरी 20 मिनट्स की वीडियो देखी तो उसने एक प्रैक्टिस बताई जो आप 30 सेकेंड्स में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप माइंडफुल हासिल कर सकते हैं। लाइक आपको करना क्या है, आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो हमेशा कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाता है ना। और माइंडफुलनेस है ही क्या, फोकस होना। तो आपका जो फोकस है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाए, और प्रेजेंट टाइम में आने के लिए अगर आपको 1 सेकंड भी लगता है, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, काफ़ी बार 1 घंटा, तो डिपेंड करता है। तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो यही चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फोकस होना ज़रूरी होता है। तो इस एक्सरसाइज में भी फोकस के बारे में है। ये एक पेन है, दैट इज़ पेन। अगर इस पेन के बारे में बोलूँ कि पेन ब्लू है, ब्लैक है, अच्छा है, बुरा है, तो मैं कहीं ना कहीं इससे इमोशनली अटैच हो जाऊँगा, या कहीं ना कहीं दूसरी और लॉजिक और दूसरी चीज़ें। वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपको और जगह लेके जाएगी। तो आपको करंट सिचुएशन में अपने सराउंडिंग के कहीं ना कहीं 3 ऑब्जेक्ट देख लेने हैं और उस पर फोकस करना है कि दैट इज़ पेन, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर पंखा है, यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर टेबल है। तो यही चीज़ें, इसमें आप कोई एडजेक्टिव, इमोशनल वो चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया 3 दफ़ा, आपने ये चीज़ कर ली। उसके बाद आपको 3 दफ़ा डीप ब्रेथ लेना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, और ये चीज़ आपको रिपीट करनी है 3 टाइम्स। तो ये 3x3 मेथड 30 सेकेंड्स में आपका जो है माइंडफुलनेस, आप फोकस कर पाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में आप वापस आ जाएंगे। जो आपके एंजाइटी है, आपका जो आप कहीं ना कहीं फंस रहे अपने थॉट्स में, तो वो आप उसे निकल आएंगे। तो लेट्स ट्राई, दैट इज पेन। यस, दैट इज पेन, दैट इज वॉल, दैट इज कैमरा। हाँ, ये कैमरा है। और डीप ब्रेथ लें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, दैट इज पेन, दैट इज कैमरा, दैट इज वॉल। तो ये चीज़ें रिपीट करेंगे। तो अगर आप परेशान हैं या चीज़ें हैं, तो एक माइंडफुल का जो मेथड है 3x3, या आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 30 सेकंड में क्विकली रिलैक्स और प्रेजेंट टाइम में फोकस कर पाएंगे। तो आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे इजीली, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहें हर चीज़ का। अगर काफ़ी बार काफ़ी लोगों को रिजल्ट ना मिले तो आप इसको 9x9x कर सकते हैं, यानी इसको 9 टाइम रिपीट्स करेंगे। तो आप इसको 9 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट और जल्दी और फोकस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि माइंडफुलनेस के और कौन से मेथड हैं। वो है मेडिटेशन, अगले वीडियो में। थैंक यू।